हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल मिक्सोलॉजी मास्टर में। मैं हूं आपका होस्ट विनोद खर्ती। आज क्लासिक कॉकटेल अनबॉक्सिंग की सीरीज में मैं बहुत ही इजी और बेस्ट कॉकटेल लेके आया हूं, जो कि हर बारटेंडर, हर कोई लोग इसके बारे में जानता है। क्यूबा लिब्रे। यस, इट्स क्यूबा लिब्रे। आज की डेट में ये विलुप्त सी हो गई, यानी कि वैनिश सी हो गई। ये बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है। बहुत से बार और रेस्टोरेंट में ये मेनू में भी नहीं दिखते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि घरों में ये हर कोई पीता है जो कि रम का लवर है। सही समझे, कोक विद रम, इट्स क्यूबा लिब्रे। तो गाइस, आज हम देखेंगे कि क्यूबा लिब्रे कैसे बनाई जाती है, इसके पीछे की स्टोरी कब बनी थी, कैसे बनी थी। तो हैव यू ट्यून। क्यूबा लिब्रे जो कि एक बहुत ही सिंपल क्लासिक कॉकटेल है, रम बेस, कोक और लाइम जूस का ग्रेट कॉम्बिनेशन सिंपल वे में। इसका जो ओरिजिन है एग्जैक्टली अभी तक किसी को नहीं पता ये कहाँ बनी थी और किसने बनाई थी। सन 1900 में माना जाता है कि ये पहले बनी गई थी, लेकिन उससे पहले 1898 ईस्वी में मिस्टर रेडी रोज के कहानी के मुताबिक, उनके एम्प्लॉयर जो कि यूएस आर्मी में एक मैसेंजर सिग्नल कॉर्प के ट्रूप्स में थे, जो 14 साल के युवक थे, वो बार में आकर उन्होंने बकार्डी विद कोक का ऑर्डर दिया था। पीछे बैठे उसके कुलीग और उनके साथियों ने भी सेम ऑर्डर प्लेस किया, और इसी तरह वन बाय वन ये ड्रिंक्स प्रचलित होती गई और फेमस होती गई। उनकी कहानी के मुताबिक बकार्डी वालों ने सन 1966 ईस्वी में लाइफ मैगजीन में इस आर्टिकल को छापा और मिस्टर रेडिरोस को सम्मानित किया, और तब से ये ड्रिंक्स बहुत ही पॉपुलर हो गई। बकार्डी ने इसको फेम दिया और इसको बहुत ही प्रचलित किया। क्यूबा लिब्रे जो नाम है, बेसिकली इसका मतलब है फ्री क्यूबा। 1898 में जब स्पेन और अमेरिका के बीच में वॉर हुआ था, तब ये स्लोगन के तौर पे यूज किया जाता था, स्लोगन ऑफ इंडिपेंडेंट क्यूबा। तो ये नाम वहीं से इसको लिया गया इस कॉकटेल के लिए। 1898 में ये कॉकटेल सिर्फ रम, कोक, लाइम जूस ही नहीं, इसमें दूसरी चीजें भी ऐड की जाती थी, ब्राउन शुगर और वाटर भी। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस लाए गए और आज की डेट में इस सिंपल तरीके से सर्व की जाती है। कुछ हिस्टोरियन और दूसरे जो मास्टर्स थे, जो कि काफ़ी थ्योरी बेस पे काम कर रहे थे, उन्होंने भी अपने अलग अलग मिथ्स और अलग अलग स्टोरीज भी रिप्रेजेंट करी गई, लेकिन इसी चीज को हार्ड प्रूफ समझ के प्रचलित किया गया मिस्टर रेडी रोज के द्वारा बताई गई इस कहानी को। तो ये थी क्यूबा लिब्रे के ऊपर बात, कि ये कैसे बनी और किसने बनाई, कैसे रिप्रेजेंट हुई। और अब हम देखेंगे कि क्यूबा लिब्रे कैसे बनाई जाती है। तो मैं एज यूजल हर टाइम की तरह मिस्टर प्रमोद राय को बुलाऊंगा अपने स्टूडियो में, वो आपको बनाकर दिखाएंगे कि क्यूबा लिब्रे कैसे बनाई जाती है। स्वागत है मिस्टर प्रमोद राय का। प्रमोद राय जी, आपका स्वागत है। प्लीज थैंक स्टार्ट द मेकिंग कॉकटेल। हाय गाइस, स्वागत है आपका मिक्सोलॉजी मास्टर चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त प्रमोद राय। आज मैं बनाने जा रहा हूँ स्पेशल जो कि एक कॉकटेल है जिसका नाम है क्यूबा लिब्रे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी हाई बॉल, जो कि मैंने ऑलरेडी आइस के साथ फिल कर रखा है। नाउ सेकेंड हमारा इंग्रेडिएंट्स बगाड़ी, कांटा ब्लांका, 50 ml ऑफ बगाड़ी, और सेकेंड इंग्रेडिएंट्स हमारा फ्रेश लाइम जूस 20 ml, ठीक
लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट्स है कोका कोला 120 ml, नॉन लेमन विल, और लास्ट हमारा है स्ट्रॉ। नाउ क्यूबा लिब्रे इज रेडी। वाओ वेरी नाइस। वेरी सिंपल सोबर ड्रिंक। जैसे कि मैंने बताया था कि यूजुअली हम इस ड्रिंक को घर में ही बना के पीते हैं, रेस्टोरों में और बार में बहुत देखना मुश्किल हो गया इस कॉकटेल को। थैंक यू मिस्टर प्रमोद, आपने बहुत अच्छी ड्रिंक बनाई जो कि बहुत ही इजी थी, लेकिन क्लासिक कॉकटेल है तो इसका भी एक रिस्पेक्ट है और इसकी भी एक स्टोरी है जो कि मैंने आपको बताया। थैंक यू प्रमोद जी। सर तो ये थी क्यूबा लिब्रे के बारे में, जो कि आपने जाना कि इसके बारे में ये कहाँ बनी, कैसे बनी, क्या मिथ थे, क्या इसके बारे में स्टोरी थी और कैसे बनाई जाती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी हमारे क्लासिक कॉकटेल अनबॉक्सिंग की सीरीज में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसलिए तब तक के लिए पीस आउट एंड टेक केयर। एंड जाते जाते डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गिव लाइक ऑल्सो। सी यू गाइस।